बच्चे जल्द साढ़े इनिशिएटिव लैंदे ना इन्हें चीजें बड़ा रूह खुश होता बड़े गर्व और इस तरह हाथ आई थी आपका।
ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਹ 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 ਆਹ
मोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, युवाओं में बड़ा जोश है और ख़ासकर स्पोर्ट्स को लेके, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे रजत जी को जिन्होंने ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे कार्यक्रम रखा। और इस कार्यक्रम को देखकर और ख़ासकर मेरे अंदर भी ये इन युवाओं को देख के आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ दौड़े जा रहा है। और आज का इस कार्यक्रम को मैं देख के, स्पोर्ट्स का जो आज का जो मेला लगा हुआ है इसको देखकर वाकई मुझे खुशी है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज की दोनों टीमें, जो हमारी इंडियन आर्मी के हमारे युवा नौजवान जो जहाँ पे इतने उत्साह के साथ जो खेले हैं, और इनके साथ में उनको भी जो दमाना की टीम इनके अपोजिट दूसरी टीम थी, और इसमें जो हमारी विनर टीम हुई है इंडियन आर्मी की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और जो रनर अप हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये गेम्स ऐसी चीज़ होती है कभी भी जीत हार मैटर नहीं करती, और दोनों का प्रयास पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा। ऐसे ही मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं, ऐसे ही खेलते रहो और देश का नाम, अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम ऊँचा करते रहो। ज़्यादा नहीं कहते, मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रिटायर्ड मास्टर पूरन सिंह, वॉलीबॉल का मैं बहुत बड़ा कोच नहीं हूँ, ये तो मेरी एक मिशन चल रही है। मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है वो ग्राउंड की तरफ मुंह करे और ग्राउंड के साथ उनका लगाव हो, ताकि आज की परिस्थितियों में इनका भविष्य जो वो स्वर्णिम हो। मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ जो है उसका रुख ग्राउंड की तरफ हो, ना कि बाजार की तरफ। मैं अपने मिशन में काफ़ी सफल हुआ हूं, और आज के इस फाइनल में, इसके पहले मेरी दोनों टीमें इसमें भाग ले रही थी। वाटर लाइन वॉलीबॉल क्लब आज जो फाइनल जीता है, वो भी मेरा ही क्लब है, और उसने बड़े ज़ोर शोर से अपने प्रतिद्वंदी जो दमाना की टीम थी उसको हराया है, और वो दमाना की टीम भी बहुत अच्छे ढंग से खेली है, बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने इसका मुकाबला किया है। तो हार जीत तो बनी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो आज के मैच की है वो ये है कि जहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यूथ जो था वो जहाँ उपस्थित था। आने वाले समय में भी मेरा ये प्रयास जारी रहेगा, और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है, ये लड़का नाम क्या है, रजत कुमार के प्रयास को मैं सल्यूट करता हूँ। इस प्रकार के लोग जो आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो छोटे जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ग्राउंड की रुख करेंगे। हमारे खुद के टूर्नामेंट है आगे, जिससे हमें मदद मिलेगी इसे खेलने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके, यहाँ के लोग, पब्लिक, इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था हमारे साथ, एंड शुक्रिया बहुत बहुत सबको। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवाओं को यही है कि ड्रग्स जो है उनसे दूर रहें, अपना ज़्यादा योगदान ग्राउंड में दें। इतना अच्छा ग्राउंड मिला हुआ है, इतने अच्छे यहाँ पे इनको सपोर्टर मिले हुए हैं, तो जितना ज़्यादा अपना टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं उसके ज़्यादा यहाँ पे करें, पढ़ाई करें, साथ में स्पोर्ट्स करें, इसका बहुत बेनिफिट है। फिजिकल फिट रहता है आदमी, और साथ में मेंटली प्रिपेयर रहता है हर चीज़ के लिए। थैंक यू सर।